कॉमेडियन ना होने के बावजूद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक बेहतर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज के वक्त में बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सलमान के साथ फिल्म किक से की थी और आज वो एक मशहूर अदाकारा है और आज ही से एक्ट्रेस का जन्मदिन भी है, जिसके चलते हम आपको उनके अनकहे कुछ सच बताने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिल्म किक से उन्होंने हिंदी फिल्म में कदम रखा था, जिसके चलते वे सुर्खियों में आ गई थी। यहाँ तक कि इस फिल्म के बाद जैकलीन और सलमान के गहरे दोस्त बनने के किस्से भी सामने आए थे। फिर क्या था, इनकी दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी। मीडिया ने इन दोनों को एक साथ काफी बार देखा। यहाँ तक मीडिया में देखा गया कि वे सलमान की फैमिली से भी मिलने लगी थी। सलमान की फैमिली के साथ उनका गहरा संबंध हो गया था, उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, उनकी फैमिली के करीब हो गई थी जैकलीन फर्नांडिस। खबरें तो ये भी आई थी कि वो कई बार सलमान और उनकी फैमिली से मदद मांग चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि खबरों के अनुसार जैकलीन के मन में कुछ वक्त पहले उर्दू सीखने की इच्छा जागी थी, जिसके चलते उन्होंने सलमान के पापा यानी डायरेक्टर सलीम खान का रुख किया था। जैकलीन का मानना था कि उनको सबसे अच्छी उर्दू सिर्फ सलमान के पापा यानी कि सलीम खान ही सिखा सकते हैं। फिर क्या था, उन्होंने इस विषय पर सलीम जी से बात की, पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जी हाँ, दरअसल खबरों के अनुसार जब जैकलीन ने सलीम से उर्दू सीखने की बात की तो उन्होंने कहा, पहले तुम हिंदी तो ठीक से सीख लो, उर्दू तो बाद में सोचना। इन सब के अलावा आपको बता दें कि सलीम खान अपनी बात सीधा कहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने जैकलीन को ऐसा कहा। पर यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जैकलीन इन बातों से निराश बिल्कुल भी नहीं हुई और उन्होंने उर्दू सीखने की इच्छा को खत्म बिल्कुल भी नहीं किया और आज वे एक सुपरस्टार हैं और अपना बर्थडे बड़े धूमधाम से मना रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।